डिंडौरी में कलेक्टर के निर्देश पर स्वराज अभियान के तहत जन समस्या निवारण शिविर लगाया गया, जिसमें विभागीय झांकियां लगाकर शासन की योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दी गई। इस शिविर में दर्जनों ग्रामीणों ने भाग लिया। ये शिविर कलेक्टर विकास मिश्रा के निर्देश पर बंगवार गांव में लगाया गया। शिविर में विभिन्न झांकियां लगाई गई, जिसके जरिए सरकारी योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को विस्तार से समझाया गया। साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग व स्वास्थ्य विभाग ने पंडाल में कैंप लगाकर हितग्राहियों को लाभान्वित किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हितग्राहियों को शासन की योजनाओं के बारे में जानकारी देना था। हमारे जनपद पंचायतें हैं, उनके दूरस्थ अंचलों में प्रत्येक शनिवार को ग्राम स्वराज के तहत जन सेवा शिविर का आयोजन करने के निर्देश थे, और आज ग्राम पंचायत धामी के तेरह की ग्राम बंगवार में जो हमारा दूरस्थ अंचल है, यहाँ पर हमने आज पूरे शिविर का आयोजन किया 8 बजे से लेकर 12 बजे तक। और अपेक्षा के अनुरूप यहाँ के लोकल जो ग्रामीण हैं यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और यहाँ पर विभिन्न जो योजनाएं सरकार की चल रही हैं उन सबके बारे में बाकी प्रतिनिधियों द्वारा जानकारी भी दी गई है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रति माह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।